हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आपके लिए पेश है आज की न्यूज बुलेटिन। मोदी के 500 रुपए वाली योजना पर जय किसान बोलने वाले सुधीर चौधरी ने राहुल के 6000 रुपए वाली को बताया खैरात। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ एंड पकोड़ा रोजगार को आर्थिक नीति में जगह देने वाले पीएम मोदी के सहयोगी सुधीर चौधरी एक बार फिर पकड़े गए हैं। हालांकि इस बार वाला मामला वैसा नहीं है जिसकी वजह से उन्हें फिर तिहाड़ जेल जाना पड़े। दरअसल सुधीर चौधरी एक बार फिर सत्ता की गोदी में साक्षात पाए गए हैं और सत्ता की गोदी में बैठना उस तरह की दलाली नहीं है जिसमें तिहाड़ जेल जाना पड़े। उल्टा इसके लिए सुधीर चौधरी सत्ताधीशों द्वारा कई तरह प्रोत्साहित भी किए जा सकते हैं। मामला ये है कि 26 फरवरी को सुधीर चौधरी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना पर तंज समझा जा रहा है। सुधीर चौधरी ने लिखा है कि 1975 में आई फिल्म दीवार में नायक अमिताभ बच्चन का मशहूर डायलॉग था, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तब बेरोजगारी और गरीबी अपने चरम पर थी, लेकिन एंग्री यंग मैन खैरात नहीं लेता था। लेकिन आज के दौर में लोग नेताओं द्वारा बांटी जा रही खैरात खुशी से स्वीकार कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इस डायलॉग को पर्दे पर बोला भले ही अमिताभ बच्चन ने हो, लेकिन लिखा जावेद अख्तर साहब ने था। अगर सुधीर चौधरी को जावेद अख्तर का लिखा हुआ चीज इतना ही पसंद आ रहा है तो वो आज भी बहुत कुछ लिखा और बोल रहे हैं। खुल मंचों से मोदी सरकार और उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं। क्या सुधीर चौधरी कभी उन आलोचनाओं को भी अपने किसी ट्वीट में शामिल करेंगे? जाहिर है नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर गोदी से उतार दिए जाएंगे। खैर मूल मुद्दे पर लौटते हैं। सुधीर चौधरी ने अपनी ट्वीट में कही थी कांग्रेस का जिक्र नहीं किया है, लेकिन साफ पता चल रहा है कि वो हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किए गए वादे न्यूनतम आय योजना पर तंज कस रहे हैं और योजना को खैरात बता रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो 20% गरीब परिवारों को हर साल 72,000 मिलेंगे। ये योजना महिला केंद्रित है, इसलिए पैसा सीधे गृहिणियों के खाते में जमा किया जाएगा। यानी कांग्रेस प्रति महीना 6000 रुपए गरीब परिवार को देने का वादा किया है और इस वादे को बिना किसी तर्क और तथ्य के सुधीर चौधरी खैरात बता रहे हैं। ट्वीट में कांग्रेस को लेकर उनकी राजनीतिक दुर्भावना साफ झलक रही है और ये दुर्भावना क्यों, इसका कारण भी सब जानते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो सुधीर चौधरी आज कांग्रेस के 6000 रुपए प्रति महीना को खैरात बता रहे हैं, वही सुधीर चौधरी बीजेपी के 6000 रुपए प्रति साल को किसानों के सबसे बड़े कल्याण से जोड़कर दिखा चुके हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार का अंतरिम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों के लिए 6000 रुपए प्रति वर्ष की घोषणा की थी। ये रकम प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर या उससे कम जोत वाले जमीन के किसानों को दिए जाने की बात कही गई थी। वित्त मंत्री बताया था कि इस योजना से 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। सुधीर चौधरी ने इस योजना पर ट्वीट करते हुए लिखा था, जय जवान जय किसान जय आम इंसान #बजट 2019। दलाली को परिभाषित करने के लिए इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। गजब की बात तो ये है कि सुधीर चौधरी को 6000 रुपए महीना खैरात लग रहा है और 6000 रुपए प्रति वर्ष जय किसान। 2014 में तो पीएम मोदी ने 15 लाख अकाउंट में डालने का वादा किया था, उसके बारे में सुधीर चौधरी आज तक नहीं बोले, क्यों? मीडिया का काम सत्य की आलोचना करना होता है, लेकिन गोदी पत्रकार तो विपक्ष की ही आलोचना करते रहते हैं। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात पत्रकारिता के बुनियादी उद्देश्य का है। ऑल्टर न्यूज के को-फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने सुधीर चौधरी की इन दोनों ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, जब मोदी सरकार ने 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के लिए 6000 रुपए प्रति वर्ष समर्थन की घोषणा की थी, तब सुधीर चौधरी ने जय किसान के नारे के साथ जोरदार स्वागत किया था। जब राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना का वादा किया तो सुधीर चौधरी ने व्यंग्य किया और इसे खैरात करार दिया। आचार संहिता के बाद लॉन्च हुआ नमो टीवी, गोदी पत्रकारों की चाटुकारिता में कोई कमी रह गई थी क्या मोदी जी?
सोशल मीडिया अखबार टीवी चैनल पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन करने के बाद अब नरेंद्र मोदी के खुद का चैनल लॉन्च हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 26 मार्च को नमो टीवी लॉन्च हुआ है। हालांकि नमो टीवी बहुत पहले ऑनलाइन नमो ऐप पर मौजूद था, लेकिन लंबे टेस्ट रन के बाद अब टीवी पर भी शुरू हो चुका है। वीडियोकॉन और डिश टीवी पर नमो टीवी का प्रसारण जारी है। आने वाले समय में दूसरे चैनलों पर दिखाया जा सकता है। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, यानी इसे देखने के लिए आपको रिचार्ज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस चैनल के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब देश लगभग सभी मीडिया संस्थान सत्ता की गोदी में बैठकर सिर्फ और सिर्फ उनकी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो इस नए टीवी चैनल की क्या जरूरत थी। पूरा कार्यकाल तो प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों में ही बिता दिए। अब ऐसी कौन सी बात रह गई जो जनता को बताना है और बताने लायक किया क्या है जो बताने के लिए बेकाबू हुए जा रहे हैं। 2014 के घोषणा पत्र का एक भी बात तो पूरा नहीं हुआ है। वादे के मुताबिक किसी को हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, गंगा साफ नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी बना नहीं, तो फिर बताना क्या है। 5 साल में दंगा लिचिंग यही सब भरा है, क्या इसका प्रचार करना चाहते हैं मोदी जी। अगर ये करना है तो सोशल मीडिया और टीवी अखबार के गोदी पत्रकार तो है ही। सोशल मीडिया पर विजय भी किसी भी अन्य पार्टी के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली है, इसकी क्या जरूरत थी। इससे भी जरूरी बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक आचार संहिता लागू होने के बाद इस चैनल को क्यों लॉन्च किया गया। जब तक ये चैनल ऑनलाइन था तो इस पर मोदी की स्कीम्स और पुराने और नए भाषणों का प्रसारण होता था। अब तो चुनाव होने वाले है, स्कीम्स लॉन्च होगा नहीं। और जहां तक भाषण की बात है तो मोदी मीडिया के चैनल अनकट लाइव ही है। क्या चुनाव आयोग को इस लॉन्चिंग से कोई दिक्कत नहीं है? क्या आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह का चैनल लॉन्च किया जा सकता है? इसके बारे में चुनाव आयोग को बताना चाहिए। पत्रकार अभिषेक शर्मा ने इस चैनल के प्रसारण को स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए चुनाव आयोग को अपने ट्वीट में टैग किया है। अभिसार ने लिखा है, आचार संहिता लागू होने के बाद नमो टीवी, वीडियोकॉन और डिश टीवी पर लॉन्च हो चुका है। क्या सच में चुनाव आयोग भाजपा द्वारा किए गए उल्लंघनों से चिंतित है? ऐसा नहीं है कि भाजपा को खुद को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष चैनल की आवश्यकता थी। गाजियाबाद में बेटी की हत्या के बाद भी शान दिखाई बेशर्मी, बोले योगी राज में बेटियां सबसे सुरक्षित है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुरादाबाद में आयोजित विजय संकल्प रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान अमित शाह कुछ ऐसा कह गए जिस पर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। शाह ने अपने बयान में कहा है कि योगी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि माँ बेटी को हाथ लगा सके। उन्होंने आगे कहा कि 2 साल हो गए, किसी की मजाल नहीं है कि माँ बेटी के सामने आंख उठाकर भी देख पाए। ऐसा शासन है यूपी में जो बरेती स्मार खान बनके चलते थे, आज वो पुलिस स्टेशन आकर कहते हैं दरोगा जी अरेस्ट कर लो वरना हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। शाह ने यह बयान तब दिया जब कल ही राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में एक लड़की की साई मंदिर में 7:30 बजे हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लड़की अपने दोस्त के साथ मंदिर दर्शन करने पहुंची हुई थी। दर्शन कर वापस लौटते समय अज्ञात शख्स ने मंदिर परिसर में ही दोनों को ही गोलियों से भून दिया, जिसके बाद दोनों ने वही दम तोड़ दिया। अब ऐसी शर्मनाक घटना के बाद भी बीजेपी अध्यक्ष शाह का कहना है कि योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित है, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि योगी सरकार में ही उन्नाव कांड चर्चा में रहा, जहां बलात्कार के आरोप में बीजेपी विधायक जेल में है। वही मानवाधिकार आयोग कई बार महिला सुरक्षा पर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर चुकी है। चुनाव से पहले यूपी की कानून व्यवस्था की खुली पोल, दिन दहाड़े बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस गाजियाबाद में 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं वहां बीएसपी के एक नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मामला जिले के लोन
इलाके का है, जहां सोमवार को सुबह की सैर पर जा रहे बीएसपी नेता शब्बीर जैदी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। पुलिस ने हत्या के मामले में दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शब्बीर सुबह करीब 6 बजे सैर के लिए जा रहे थे, तभी घर के महज 100 मीटर दूर पहुंचने पर कुछ लोगों ने उन पर अंधाधुंध गोली चलाई। फायरिंग से बचने के लिए उन्होंने बिजली के खंभे के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा थी और वो अपने आप को नहीं बचा सके। पुलिस का ये भी कहना है कि शब्बीर के ऊपर कम से कम 5 राउंड फायरिंग की गई। शब्बीर जैदी के ऊपर फायरिंग के पीछे की जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद का मामला है। हालांकि अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। मूल रूप से शामली जिले के कांधला के रहने वाले शब्बीर जैदी लोनी की उत्तरांचल बिहार कॉलोनी में रहते थे। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उनका ऑफिस है, जहां से वो पार्टी के कामकाज के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। राजनीति में आने से पहले जैदी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पर पद पर तैनात थे। रिटायरमेंट के बाद वो बीएसपी में शामिल हो गए थे। चुनाव से पहले डरी बीजेपी। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखने पर 7 सरकारी शिक्षक निलंबित कर दिए गए। चुनाव नजदीक है, कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है। 2014 के चुनाव में किए गए एक भी वादों को पूरा नहीं किया गया है। घोषणा पत्र का भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास राष्ट्रवाद, मोदी और चौकीदार कैंपेन के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। पुलवामा और एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगने के बाद अब चौकीदार चौकीदार हो रहा है। खैर, जमीन पर इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में शायद बीजेपी फिर राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाना चाहती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वार उठाए गए कुछ कदम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने की वजह से 7 सरकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक और केंद्र सरकार की आलोचना करने के आरोप में अलग अलग जिलों के 7 सरकारी शिक्षकों को निलंबित किया गया है। वही एक निजी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। 21 फरवरी को मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश यादव को निलंबित किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पुलवामा हमले पर सवाल उठाते हुए सरकार पर संदेह जताया, साजिश की आशंका जताई। अब संदेह करने पर से किसी को जेल भेज देना कहां तक सही है, इसका जवाब तो कोर्ट ही देगा। 27 फरवरी को वाराबंकी के प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया। सुरेंद्र कुमार BSA BP सिंह ने निलंबित किया। सुरेंद्र कुमार पर भी आरोप है उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर सवाल खड़े किए। हद मतलब अब सवाल करना, चर्चा करना दुभर हो गया है। 2 मार्च को सुल्तानपुर के प्राइमरी स्कूल सहायक शिक्षक अमरेंद्र कुमार को इमरान खान की तारीफ करने का आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अमरेंद्र कुमार का निलंबन BSA कौस्तव कुमार ने किया है। 6 मार्च को रायबरेली के प्राइमरी स्कूल सहायक शिक्षक रविंद्र कनौजिया को बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़े एक पोस्ट को साझा करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। निलंबन का आदेश BSA PN सिंह ने दिया। 22 फरवरी को मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर रविशंकर यादव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने वाले BS का नाम है प्रवीण तिवारी। 22 फरवरी को ही आजमगढ़ के प्राइमरी स्कूल सहायक शिक्षक नंदजी यादव को CM योगी और PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने वाले BS का नाम है देवेंद्र पांडे।
16 मार्च को रायबरेली प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर निरंकर शुक्ला को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने वाले बीएस का नाम है पीएन सिंह। 23 मार्च को शाहजहांपुर के निजी इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले दिलीप सिंह यादव को सांप्रदायिकता, जाति राजनीति और धार्मिकता आधारित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दिलीप सिंह यादव बिना वेतन के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। FIR का आदेश SDM अशोक कुमार ने दिया है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम एक बार फिर से और भी कई सारे सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारी YouTube चैनल यानी माइंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।